तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईएस लेक्चरर केवीएस एनबीएस किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मैट्रिक्स की क्लास है। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वैक्टर्स के बारे में। आइगन वैल्यूज़ क्या होते हैं, इनको हम लोग कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, इनको हम लोग कैसे निकालते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आपको आई बटन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि बताइए इसके कौन कौन से आइगन वैल्यूज़ होंगे। मतलब चार ऑप्शन होगा, आपको बताना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब आपसे आइगन वैल्यूज़ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे जनरल मेथड से पूरे विस्तार में बताऊँगा कि कैसे हम लोग आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं, कैसे हम लोग आइगन वैक्टर निकालते हैं। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट मेथड भी बताऊँगा कि देखते ही आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर की। आइगन वैल्यूज़ की बात करें तो आइगन वैल्यूज़ के कई नाम हैं, मैं पहले नाम बता देता हूँ आपको। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट्स, प्रॉपर वैल्यूज़, कई नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपसे आइगन वैल्यूज़ ना पूछ के कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछ ले, लेटेंट रूट्स या लेटेंट वैल्यूज़ पूछ ले, प्रॉपर वैल्यूज़ या प्रॉपर रूट्स पूछ ले, तो मतलब एक ही है कि आपसे आइगन वैल्यूज़ के बारे में पूछ रहा है। अब होता क्या है, हम इसके डिफिनेशन पर नहीं जाएंगे, हम सीधा वर्किंग पे आते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का, हम लोग आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। हम सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, सीधा अपने काम की बात करते हैं। दोस्तों, आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, 2043, ठीक है। मैं 2x2 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये मैट्रिक्स हमें दिया गया और हमसे पूछ लेगा कि बताइए इसके आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक, या इनके कौन कौन से आइगन वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक। तो पहला काम आपको करना क्या होता है, आप किसी भी मैट्रिक्स को पहले इस फॉर्मेट में लिखते हो, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हो और इसको आप जीरो के इक्वल कर देते हो, ठीक है। अब इसमें जो भी टर्म लिखे गए हैं उनका मतलब क्या है, एक ही बात करूं तो ये आपका गिवन मैट्रिक्स है। जो आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 3x3 का हो, ठीक है, ये तो गिवन मैट्रिक्स है। लैम्डा की बात करें तो ये कांस्टेंट है और इसी को आगे चल के हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू, ठीक है। इसी लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे और बोलेंगे यही क्या है, आइगन वैल्यूज़ हैं। आई की बात करें तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। ओ की बात करें, सॉरी ओ नहीं, ये जीरो है ना, जीरो की बात करें तो ये जीरो क्या है, नल मैट्रिक्स है, जिसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सब बताया, ठीक। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया जाएगा ए, पहले उसको हम ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिखेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर जीरो के इक्वल कर देंगे, वहाँ से हमको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। अगर मैट्रिक्स आपका 2x2 का दिया गया है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या करेंगे, 2x2 का ही लेंगे, ठीक है, 2x2 का लेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स 3x3 का देगा तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का लेना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो, शॉर्टकट मेथड भी हैं, लेकिन हम लोग पहले जनरल मेथड की बात करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि आप कैसे करोगे, कैसे आता है, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिना पेन उठाए आंसर बता देंगे, ठीक है। देखो, तो ए माइनस लेमडा आई निकालना है आपको, यहाँ पर मैं निकालता हूँ, ठीक है। देखो, ए माइनस लेमडा आई, अब देखो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा 0 4 3 माइनस लेमडा। अब आप बोलोगे ये कैसे आ गया, तो देखो भाई, आपको ए माइनस लेमडा आई निकालना, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ए माइनस लेमडा आई, मतलब इसका ये है कि मैट्रिक्स ए दिया गया है आपको, तो 2 0 4 3, ठीक है ना,
माइनस लैम्डा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1001 है। लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2043। लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो लैम्डा 0 0 लैम्डा हो गया, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा। क्या आएगा? 2 माइनस लैम्डा। 0 में से 0 को घटाओगे 0 ही आएगा, 4 में से 0 को घटाओगे 4 आएगा, 3 में से लैम्डा को घटाओगे 3 माइनस लैम्डा आएगा। तो ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू यहाँ पर आपको निकल के ये मिली है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सीधा एक काम करो, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके डायगोनल के एलिमेंट में से आप लैम्डा को माइनस कर दोगे, डायगोनल के एलिमेंट में से लैम्डा को माइनस कर दोगे। अगर आपको 3x3 का मैट्रिक्स देता, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई 3x3 का मैट्रिक्स देता, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ऐसे करके देता, तो इसका ए माइनस लैम्डा आई निकालने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 5 9 है, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 5 माइनस लैम्डा 6 7 8 9 माइनस लैम्डा कर दोगे, यही इसका ए माइनस लैम्डा आई हो जाएगा, ठीक है। तो डिटेल में जाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ए माइनस लैम्डा आई निकालने के लिए इसके डायगोनल के एलिमेंट में से हम लैम्डा को माइनस कर देंगे, ठीक। ये मिल गया हमें। अब देखो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो जब आप ए माइनस लैम्डा आई निकालोगे तो इसका भी डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, भाई डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 का 0 में होगा 0 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा हो जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर है ना, ये तो 0 है ही। तो आपको मिला ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू कितना मिला, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू आई है इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे विच इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको हम लोग करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब अगर हमको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे, इसी को हम लोग इक्वल जीरो लिखा देंगे। मतलब ये कि अगर हम कह दें कि ए माइनस लैम्डा आई इक्वल क्या, जीरो है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू जीरो, इसी को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर हम ए माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा, और अगर हम जीरो के इक्वल नहीं करेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रहेगा, ठीक। इतनी बात आप समझ गए। देखो क्या है कि मैं आपको पूरे डिटेल में बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। बाकी आपको मैट्रिक्स अगर दिया गया है 2x2 का, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम एक लाइन में लिख सकते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कि 2x2 के मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग कैसे बिना कुछ किए, इतना लंबा चौड़ा किए, किस तरीके से हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं। और 3x3 के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक ज़बरदस्त ट्रिक के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लैम्डा में आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है, तो लैम्डा स्क्वायर है, इसका मतलब लैम्डा के दो वैल्यूज मिलेंगे, और उन्हीं लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यूज बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि जब हमें 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया तो लैम्डा स्क्वायर यानी लैम्डा में द्विघात बना, जब हमें 3x3 का मैट्रिक्स दिया जाएगा तो लैम्डा में त्रिघातीय बनेगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। तो जैसा हमारा मैट्रिक्स रहेगा वैसा ही यहाँ पर लैम्डा में इक्वेशन बनेगा, और लैम्डा में अगर क्वाड्रेटिक बन रहा है, द्विघात बन रहा है, तो लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी। अगर त्रिघात बनता, क्यूबिक बनता, तो लैम्डा की तीन वैल्यूज आती। मतलब ये कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज दो आएंगी, और 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज तीन होंगी, ठीक है। मतलब तीन आइगन वैल्यू आएंगी और 2x2 के लिए दो आइगन वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे अगर इसको, तो आप देख सकते हैं ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 है ना, फैक्टराइजेशन कर देंगे तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आपको लैम्डा माइनस टू मिलेगा, एक ब्रैकेट में आपको लैम्डा माइनस थ्री मिलेगा इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आप कर सकते हैं लैम्डा की वैल्यू 2 एंड 3, ठीक। तो लैम्डा की दो वैल्यूज़ आपको मिली हैं 2 एंड 3, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, आइगन वैल्यूज़। इस मैट्रिक्स के लिए
ये क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। ठीक, तो ये मैंने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया कि कैसे आप पहले करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालेंगे, फिर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर वहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी और वही लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक, एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आइगन वैल्यूज आई हैं 2 एंड 3, इन दोनों को जोड़ लो, 2 में 3 को ऐड करोगे 5 आएगा, और आप इस मैट्रिक्स के डायगनल के एलिमेंट को जोड़ो, 2 प्लस 3 कितना आएगा, 5 आएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी ट्रिक को हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, हम ऑप्शन देख के आंसर बताते हैं। कैसे, हम मैट्रिक्स देखेंगे, मैट्रिक्स के डायगनल को जोड़ेंगे, मैट्रिक्स के डायगनल को जैसे हमने जोड़ा तो हमें पता चल गया कि 2 प्लस 3 यानी 5, जो भी हमारा आंसर होगा ना सबका जोड़ 5 आना चाहिए। तो मैट्रिक्स के डायगनल के एलिमेंट को जोड़ लेंगे और जो हमारा आइगन वैल्यूज होगा उसको जोड़ लेंगे, मतलब आइगन वैल्यूज का सम डायगनल के एलिमेंट के सम के इक्वल होना चाहिए। यहाँ भी जोड़ने पे 5 आएगा, यहाँ भी जोड़ने पे 5 आएगा, भाई इतना सा काम करना रहता, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, ये सब हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग ऑप्शन देख के निकालते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई बात किसकी, आइगन वैल्यूज़ की। आई होप आप समझ गए होंगे, पूरा मुद्दा है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का। अगर आपसे ये निकल गया, सही सही निकल गया, तो लैम्डा की वैल्यू आप सही सही निकाल पाओगे। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज तो मैंने आपको निकाल के बता दिया, अब बात करेंगे आइगन वेक्टर के बारे में। आइगन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, इन्हीं 2 एंड 3, ये जो आपको आइगन वैल्यूज मिली है ना, इन्हीं के लिए हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो एक बार 2 का यूज करेंगे, एक बार हम लोग 3 का यूज करेंगे, अगर कोई और वैल्यू होता लैम्डा का तो उसके लिए भी हम लोग निकालते हैं। तो अलग अलग सभी आइगन वैल्यूज के लिए हम लोग आइगन वेक्टर निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है वो भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम डायरेक्ट करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए और 3x3 मैट्रिक्स के लिए, हम लोग डायरेक्ट करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो पहले हम लोग निकालेंगे आइगन वेक्टर। तो अभी हम लोगों ने निकाला था लैम्डा की वैल्यू क्या मिली थी, 2 एंड 3, मतलब हमको जो आइगन वैल्यूज मिली थी, वो 2 एंड 3 थी। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, ध्यान से देखो, जो आपके पास a माइनस लैम्डा आई होता ना, उसी में आप x से मल्टीप्लाई कर देते हो और इसको आप 0 मैट्रिक्स के इक्वल कर देते हो। अब बात समझना, x क्या है, यही x आपका होता है आइगन वेक्टर। क्या होता है, आइगन वेक्टर। और ये x क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, और रोज कई हो सकते हैं लेकिन कॉलम एक ही होगा। 2x2 का मैट्रिक्स है, तो x के अंदर हम लोग इस तरह से 2 एलिमेंट रखेंगे, x1 एंड x2। अगर 3x3 का मैट्रिक्स होता तो इसमें एक और आ जाता, x3, लेकिन 2x2 का है तो केवल x1 एंड x2 ही होंगे। ठीक, अब इस x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये आपका नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, और जीरो मैट्रिक्स कैसा, कॉलम वाला है भैया, 0 0 इस तरह से। ठीक है, तो कर लो, a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू अभी आपने शुरू में निकाला था, क्या मिला था, 2 माइनस लैम्डा, याद कीजिए, 0 4 3 माइनस लैम्डा, यही तो मिला था। x की वैल्यू ये है x1 x2, और ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, 0 0। ठीक है, अभी करना क्या है, अभी कुछ नहीं करना है, आप एक बार क्या करोगे, लैम्डा की वैल्यू 2 लोगे, एक बार आप लैम्डा की वैल्यू 2 रखोगे, एक बार आप लैम्डा की वैल्यू 3 रखोगे, दोनों के लिए आप आइगन वेक्टर निकाल लोगे। ठीक, देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 2 रखोगे तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस 2, ये 0, ये 4, ये हो गया 3 माइनस 2। ठीक है ना, यहाँ पर है x1 x2, और ये तो 0 0 रहेगा। ठीक है, 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो लिख ही देता हूँ इसको 0। 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात समझो, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो इस रो का इस कॉलम में करोगे तो 0 का x1 में करोगे 0 हो जाएगा, 0 का x2 में करोगे 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो गया, कहानी खत्म। अब इस वाले रो का करोगे, 4 का x1 में करोगे क्या आएगा, 4x1, और 1 का x2 में करोगे क्या आएगा, x2 आएगा। और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखो, आप जब इस मैट्रिक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का x1 में करोगे क्या आएगा, 0, प्लस 0 का x2 में करोगे क्या आएगा, 0 हो गया। अब इस 4 का करोगे तो 4x1 प्लस x2 हो गया, और ये इक्वल होगा क्या, 0 0 के। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो ऊपर 0 और नीचे क्या है, 4x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना, 0 0, यही तो होगा।
दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो ये जीरो इस जीरो के बराबर होगा और ये 4x1 + x2 इस जीरो के बराबर होगा। तो इसको जीरो के बराबर लिखने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए हमने 4x1 + x2 को क्या किया, जीरो के इक्वल कर दिया। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ से अगर मैं कहूँ 4x1 = -x2 तो बात सही होगी, इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं बोलता हूँ कि इफ़ x2 की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, x2 की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी, 4x1 = अगर यहाँ पर मैं 4 रख दूँ तो -4 हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको x1 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, -1। तो जब आपने x2 की वैल्यू 4 रखी है तो आपको x1 की वैल्यू क्या मिली है, -1 मिली है। यहाँ से हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली है, लाकर यहाँ पर रख देंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके आइगन वेक्टर हो जाएंगे। तो अगर मैं लिखूँगा तो x = क्या, x1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर, मतलब ये कि ये हो गए क्या आइगन वैक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज, कितना, 2, मतलब λ = 2 पर हमने क्या किया, आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब ऐसे ही एक बार लैम्डा की जगह पर 3 रखेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे, x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे, उसको लाके फिर से यहाँ पर रखेंगे, वो हमारे इस आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर हो जाएंगे। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। आइगन वैल्यूज मैंने आपको निकाला सिखा दिया, वापस आपको क्या करना है, आइगन वेक्टर निकालना। आइगन वेक्टर निकालने का ये तरीका होता है, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो x1 x2 होंगे, 3x3 का होता तो x1 x2 x3, 3 आ जाते। ठीक, वहाँ पर आप एक बार इस वैल्यू को ले जाकर रखोगे, एक बार इस वैल्यू को ले जाकर रखोगे, अलग अलग दोनों के लिए आप आइगन वेक्टर निकाल लोगे। ठीक है, तो मैंने λ = 2 पर निकाल दिया है, λ = 3 पर आप निकाल सकते हैं, वो आप कर लीजिएगा। तो ये हो गई पूरी कॉन्सेप्ट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर्स की, आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही 3x3 का मैट्रिक्स होगा, उसके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग डायरेक्टली करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। ठीक, वो देखिए। तो दोस्तों, आपको अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, किसके लिए, पहले मैं बता रहा हूँ फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसके लिए आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखोगे। ठीक, देखो, कुछ नहीं करना है, पहले आपको लैम्डा स्क्वायर कर लेना है, माइनस लगा देना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है वो लैम्डा लिखोगे, प्लस डिटर्मिनेंट ए लिखोगे, इक्वल टू कितना, 0। ये हो जाएगा आपका क्या, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अभी जो आपका मैट्रिक्स था वो कितना था, a = 2 0 4 3, यही था। अगर इसका हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते तो हम डायरेक्टली क्या करते, लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा स्क्वायर कर दो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है, ट्रेस के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपने ट्रेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, इसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ लीजिए, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ लीजिए, तो 2 और 3 को ऐड करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर 5 हो गया, 5 इंटू क्या, लेमडा प्लस। अब डिटर्मिनेंट ए निकालना, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो 3 कदों में गुणा करोगे 6 आएगा, 4 का 0 में 0 हो गया, यानी कितना आया, 6। और आप देख सकते हो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसी मैट्रिक्स को सॉल्व किया था, और सॉल्व करने के बाद हमें लास्ट में यहाँ कहीं आकर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही मिला था। ठीक, तो हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एक ही लाइन में निकाल सकते हैं, बस आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ए, इतना आपको याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हो, और यहाँ से आप इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई बात फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स की बात करूँ, 3x3 मैट्रिक्स की, तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, देखो 2x2 था तो लैम्डा स्क्वायर रहेगा, 3x3 में लैम्डा क्यूब आएगा, क्यों, मैंने आपको बताया कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसकी 2 आइगन वैल्यू होंगी, 3x3 मैट्रिक्स है तो उसकी 3 आइगन वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पर लैम्डा क्यूब आएगा। लैम्डा क्यूब के बाद आप क्या करोगे, वही काम, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू में आएगा लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस सम ऑफ माइनर along sum of minor along diagonal into में lambda minus
डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, लैम्डा का क्यूब करोगे, उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालोगे, लैम्डा से स्क्वायर कर दोगे, सम ऑफ माइनर अलोंग डायगोनल। ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो कि आपको कोई मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स मान लो दी गई है 1 0 1 2 3 1 2 3 0 5 2 0 8 9, ठीक, ये मैट्रिक्स दी गई है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक, आइगन वैल्यूज निकालनी है, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आपको ये काम करना है। तो देखो पहले लैम्डा क्यूब है, तो लैम्डा क्यूब लिख देता हूँ मैं, माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है तो इसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ लो, 9 5 14 और 1 15, ये हो गया 15 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इसके डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ेंगे वही क्या होगा, ट्रेस हो जाएगा। अब सम ऑफ माइनर अलोंग डायगोनल, अब ये क्या होता है ये समझो, आपका डायगोनल क्या है, आपका डायगोनल ये है 159, ये तो डायगोनल है, कह रहा है कि सम ऑफ माइनर इस 159 के अलोंग जितने भी माइनर होते हैं सबको जोड़ लेना। अब माइनर क्या होते हैं आपको सिंपली पता है, देखो ये जो वन है ये किस पोजिशन पर है, ए वन वन पर है, फाइव किस पोजिशन पर है, ए टू टू पर है, नाइन किस पोजीशन पर है, ए थ्री थ्री पर है। तो ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री के अलॉन्ग आपको माइनर निकालने हैं, मतलब ये है कि आपको एम वन वन निकालना है, एम टू टू निकालना है, एम थ्री थ्री निकालना है। कैसे निकालना है देखो जरा, जब आप एम वन वन की बात करोगे तो इस एलिमेंट की बात करोगे, इस एलिमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो इस एलिमेंट को, इस वन को क्या करना है आपको, इस एलिमेंट को आप देखोगे कि इस एलिमेंट के सामने और नीचे जो भी एलिमेंट आएंगे उनको छोड़ देना, तो वन के सामने ये छूटेगा ये छूटेगा, 9 का 5 में गुणा हुआ 45 हो गया, माइनस लगाओगे 8 का 2 में गुणा हुआ 16 हो जाएगा। बात समझ में आई, जब M11 की बात करोगे तो इस वन की बात हो रही है तो इसके नीचे इसके सामने के एलिमेंट छूट जाएंगे, जो बचेगा उनका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे। ठीक, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं वही काम है। तो 45 में से 16 निकाल दो कितना आएगा, 15 में से 6 निकल गया 9 आएगा, और 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 आएगा। ठीक, अब देखो यम टू टू की बात है, यम टू टू ये है तो इसके सामने के जो एलिमेंट हैं 5 के सामने के ये एलिमेंट और ये एलिमेंट छूट जाएंगे, 9 का 1 में गुना होगा 9 और 3 का 0 में होगा 0 हो जाएगा, तो ये मिला के 9 आएगा। ठीक, अब यम थ्री थ्री की बात करें तो इस एलिमेंट की बात हो रही है तो इसके सामने और इसके ऊपर, मतलब इसके जो भी सामने एलिमेंट पड़ेंगे उनको छोड़ दोगे तो ये छूट गया, 5 का 1 में गुणा हुआ 5 आएगा, माइनस 2 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 5। अब इनको जोड़ लेना है, इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 29 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा 38, और 38 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 43। क्या बोला है, सम ऑफ माइनर अलोंग डायगोनल, तो सम ऑफ माइनर हमने निकाला है, माइनर ये हो जाएंगे यम वन वन यम टू टू यम थ्री थ्री, किसके अलॉन्ग डायगोनल के अलॉन्ग, इनको जोड़ लेना है, इनको जोड़ा कितना आया 43 आया है, यहाँ पर रख दो प्लस 43 और इनटू में लैम्डा माइनस। ठीक, अब जो मैट्रिक्स दी गई है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लो, तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, क्या ये आ गया करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ठीक, मैं आपको समझा रहा था इसलिए टाइम लगा, बाकी अगर आपको पता है प्रोसेस पता है तो आप विद इन सेकंड्स इसको भी लिख सकते हो, और यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें लैम्डा की 3 वैल्यू मिल जाएंगी, वही क्या होंगी, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ होंगी, और अगर आइगन वैल्यूज़ मिल गई हैं तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 में रख के उनके आइगन वेक्टर भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, आइगन वेक्टर्स क्या होती हैं। मैंने 2x2 का एक एग्जांपल लेके आपको करके दिखाया, आप 3x3 के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, कुछ टफ नहीं है इसमें, और मैंने आपको ये भी तरीका बता दिया कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए आप विद इन सेकंड करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो चाहे 3x3 का मैट्रिक्स हो, आप बिल्कुल अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप बहुत तेज़ी से ये काम कर सकते हो, और यहाँ से लैम्डा को सॉल्व करके ही निकालना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर के बारे में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और साथ ही साथ मज़ा भी आया होगा। ठीक, अब मैं आपके सामने दो क्वेश्चन रखता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको देख के हम लोग अपना आंसर कैसे टिक करते हैं। ठीक, ये तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, लेकिन हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ ए इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहा है देन आइगन वैल्यूज आर, तब इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करने चले गए, ठीक, तो 2 मिनट 3 मिनट चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देख के टिक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसके डायगनल के एलिमेंट का सम आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होता है, मतलब आप विकर्णों के अवयवों को जोड़ लीजिए और जो भी आपका आंसर होगा उसके जोड़ के बराबर आना चाहिए। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना, 7। अब जो भी आपका ऑप्शन है उनमें सबका जोड़ क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑप्शन में अगर देखें तो 3 एंड 5 दिया है, इन दोनों का जोड़ क्या है, 5 और 3 को जोड़ोगे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, चाहिए कितना, 7 चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 6 और 1 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा, तो मतलब ये आपका ऑप्शन हो सकता है, आंसर हो सकता है। आगे भी देख लें, 1 एंड 3 है, 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, 7 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नाना भी तो हो ही नहीं सकता, आपका भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम देख के अपना आंसर बता देते हैं। तो आइगन वैल्यूज के लिए बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, लेकिन कभी कभी आपसे थोड़ा घुमा के पूछ देता है, तो इसलिए आपको पूरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं, आइगन वैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, कह रहा है देन आइगन वैल्यूज आर, आप बताओ कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कौन कौन सी होंगी। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब के 3 आइगन वैल्यूज होंगी। आप क्या करो, डायगनल के एलिमेंट को जोड़ लो, तो 1 4 5 5 10, जो भी आपके आइगन वैल्यूज हैं उनका जोड़ 10 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 1 4 5 5 10 ये हो सकता है, आगे भी देख लो, 2 1 3 ये नहीं हो सकता, 5 3 8 1 9 ये भी नहीं हो सकता, 2 1 3 3 6 ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट है, 5 4 9 1 10 हो रहा है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस देखते ही आप टिक लगा दोगे। ठीक, तो ये हो गई बात आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के बारे में। दो बातें और मैं आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड, जो आइगन वैल्यूज होती है उनका अगर हम सेट बनाएं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। जैसे आपका 1 4 5 है, ठीक, ये आइगन वैल्यूज आई हैं इस मैट्रिक्स के लिए, 1 4 5 क्या है, आइगन वैल्यूज हैं, अगर इनका हम एक सेट बनाएं तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सेट ऑफ आइगन वैल्यूज इज कॉल्ड क्या, स्पेक्ट्रम, उसे हम स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज कॉल्ड, जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू होगी उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है उसका हम लोग स्पेक्ट्रल रेडियस बोलते हैं। मतलब अगर हम सारे आइगन वैल्यूज का एक सेट बना ले तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, और जो उन आइगन वैल्यूज में जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल रेडियस, जो मैट्रिक्स दिया गया। जैसे इस मैट्रिक्स के लिए 1 4 5 आइगन वैल्यूज हैं, इनका सेट बनाओगे तो उनको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम, और इन तीनों में देखो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू 5 है, तो इस 5 को क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये हो गई बात आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और लोगों का फायदा हो सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहें। आप देख लेते हो, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, कोई खर्चा नहीं है, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, ताकि हमारा मेहनत सफल हो जाए और आपका देखना भी सार्थक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।